बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक विक्की कौशल और कैटरीना कैफ सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है नकली वाले को असली वाले को धमकी। कैटरीना कैफ के एक तरफा प्यार में पागल एक सरफरे ने कैटरीना के असली पति विक्की कौशल को गन पॉइंट पर धमकी दी है। ये आशिक किस कदर कैटरीना के प्यार में पागल है, इसका अंदाजा आप इसके सोशल मीडिया अकाउंट से लगा सकते हैं। हर वो फोटो जिसमें कैटरीना विक्की के साथ है उसकी कॉपी आरोपी ने बनाई और विक्की की जगह अपनी फोटो लगा दी है। अब कैटरीना का यह सरफरा आशिक सलाखों के पीछे पहुंच गया क्योंकि उसने धमकी दी थी। रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को आज जान से मारने की धमकी मिली। ये खबर जैसे ही सामने आई फैंस फुल टेंशन में आ गए। विक्की ने मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। विक्की ने कहा एक व्यक्ति उनकी पत्नी कैटरीना को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है, उसने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी है। धमकी का यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। एक्टर विक्की कौशल की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को 4 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स का नाम है मनविंदर सिंह। मनविंदर पेशे से एक स्ट्रगलिंग एक्टर, कैटरीना कैफ का बहुत बड़ा फैन है। कैटरीना से शादी करना चाहता था, इसीलिए पिछले कुछ महीनों से वो सोशल मीडिया पर कैटरीना और विक्की को परेशान कर रहा था। इंस्टाग्राम पर मनविंदर ने लिखा था, बेटा अब तेरा गेम ओवर करता हूं मैं, मुझे पता था तुम कहां छुपी हुई हो और वो विक्की कौशल कहां छुपा हुआ है, कल गन पॉइंट पर रखता हूं। विक्की और कैटरीना को धमकी देने वाले आरोपी मनविंदर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर गौर करिए। ये शख्स किंग आदित्य राजपूत वीवीआईपी नाम से इंस्टाग्राम चलाता है। कैटरीना कैफ को अपनी वाइफ बताता है। प्रोफाइल पिक में भी कैटरीना के साथ अपनी पिक मॉर्फ कर लगाता है। इसने इंस्टाग्राम पर कैटरीना के साथ कई फोटो मॉर्फ कर लगाए हैं, यहां तक कि कैटरीना की शादी के फोटो भी नहीं छोड़े। आरोपी की इन हरकतों के बाद पुलिस भी इसे एक सिरफिरे आशिक का एक तरफा प्यार समझकर चल रही है। हालांकि पुलिस ने विक्की कौशल की शिकायत पर आईपीसी की धारा 506(2) यानी धमकी देने, आईपीसी की धारा 354(d) यानी महिला का अपमान करने और आईटी एक्ट 67 यानी अश्लील कमेंट और अश्लील वीडियो या फोटो शेयर करने का केस दर्ज किया है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस के सांताक्रूज पुलिस थाने ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मनविंदर सिंह इसका नाम बताया जा रहा है और स्ट्रगलिंग एक्टर है, लखनऊ का मूलतः रहने वाला और 3 महीने पहले ही यह मुंबई आया था, लेकिन अपने 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए ये विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को पिछले कई महीनों से परेशान कर रहा था। पुलिस जब इसके पास पहुंची, साइबर सेल जब सांताक्रूज पुलिस स्टेशन की इसको ट्रेस करने लगी, तब इसका लोकेशन सांताक्रूज ही आया, यानी कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर के आसपास ही ये एक लॉज में रह रहा था, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। 25 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। शुरुआती तफ्तीश में आरोपी ने बताया है कि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आया था, मुंबई में एक्टर बनने आया था, लेकिन वो कैटरीना कैफ से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था और कैटरीना ने जब विक्की कौशल से शादी कर ली उसके बाद से उसने इसी तरीके से कैटरीना को हैरेस करना शुरू किया है। मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस उसके रिमांड की मांग करेगी। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।